हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। एवरेस्ट कैंटो, सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, ये तीन शेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। अबे एक्चुअली बोला जाए ना तो मेरा एवरेस्ट कैंटो के ऊपर से मन उठ गया है, क्योंकि हमारे मेंबरशिप कॉल में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हमने आज भी जो कॉल दिया था पोजिशनल ट्रेड पर, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, या कोई दूसरे कॉल हो उसमें एक्चुअली आज SBI में ज़्यादा नहीं 4 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, पर मैं तुरंत मैसेज कर दिया था कि एग्जिट हो जाओ। उसमें भी मैंने एग्जिट बोला तो हमारे एक मेंबर ने शॉर्ट सेल करके उसमें से प्रॉफिट किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, बहुत बढ़िया उन्होंने किया है जो किया है वो। पर देखो, ये जो एवरेस्ट कैंटो अभी एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन जोन बनते जा रहा है, यहाँ जैसे ही आता है शेयर में एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ डिलीवरी बढ़ जाती है। अभी आज के दिन में भी अगर डिलीवरी देखते हो आप एवरेस्ट कैंटो में, तो आपको डिलीवरी बढ़ी हुई ही दिखेगी। वो देख लेते हैं हम पहले। एवरेस्ट कैंटो में आज के दिन में एक भी ब्लॉक डील नहीं हुई है। अगर NSE पे हम देखते हैं तो NSE पे क्या दिखता है हमें, टोटल देखो 3,45,000 शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 2,24,000 शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। परसेंटेज 65.02% शेयर डिलीवरी में होते हैं, तो एवरेज कैंटो में डिलीवरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शेयर, ये जो जोन है एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं इसे, ये ऐसा जब स्ट्रक्चर बन जाता है, देखो नीचे आया, इसमें इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। देखो ये अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर दूँ, यहाँ तक अगर एक्सटेंड भी कर दूँ, तो ये एक्यूमुलेशन जोन था। जिस दिन शेयर मार्केट तब नेगेटिव था इसलिए नीचे खुला था, पर आप देख सकते हो नीचे से इसमें रिकवरी होके 2 दिन अपर सर्किट लगा था, फिर ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, फिर से ये एक्यूमुलेशन जोन पे आ गया। एक्यूमुलेशन जोन पे लोग बाइंग कर रहे, जिन्होंने ऊपर भी बाइंग किया है लोग नीचे बाइंग कर रहे, मैं नहीं कर रहा वो भी बाइंग नीचे के लेवल पे, क्योंकि सीरियसली मुझे अभी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, पर फिर भी सही है, लेके रखा है मैंने। 109 पे बाइंग किया था, मैंने आपको बोला था 109 पे मेरी बाइंग है, और इसमें अभी देखेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ये समझो नीचे आ गया, ये लेवल के नीचे आ गया, तो मैं बाइंग का सोचूंगा 96-95 पे, पर ये भी एक्यूमुलेशन जोन ही है इसके लिए, तो डरने के लिए कोई बात नहीं है। और डिलीवरी देख सकते हो आप, 65% डिलीवरी, जो कि अच्छी कही जाएगी। और अभी जो रेट है 103 का, उस पे 907 शेयर है जो बाइंग के लिए लगे पड़े। तो ये रहा एवरेस्ट कैंटो के बारे में। अभी हम देखेंगे सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन में देखो, जिस दिन ये वॉल्यूम इन स्पर्ट दिखा था आपको, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था ये शेयर, यहाँ अपर सर्किट लगने के बाद तो फ्रीज था, अपर सर्किट खुला नहीं था, पर जिस अगले दिन जो खुला, तो एक्चुअली खुला ही ये 6.15 रुपए के आसपास खुला था। तो देखो 4.30 रुपए से 6.15 रुपए तक जाना, मतलब ये मूवमेंट बहुत बढ़िया होती है। और जैसे ही ऊपर खुलता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये पेनी शेयर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही बने होते हैं। आप एंट्री लो, जैसे आपके सामने प्रॉफिट दिखा बुक कर लो। अभी 2 दिन से क्या हो रहा है इसमें, आज और कल में ये जो जोन बना है, ये जोन में ही ट्रेड कर रहा है, ये बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है 5.65 रुपए से, ये जो लेवल बन के आ रही है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो 5.85 रुपए से 5.65 रुपए, मतलब 20 पैसे के दायरे में शेयर घूम रहा है। तो आज के दिन में डिलीवरी कितनी होती है सुजलॉन एनर्जी में, वो भी हम देखेंगे। देखो मार्केट खुलती है, 2,53,000, 2 लाख, 2 लाख, 5,81,000, 6,46,000 शेयर। फिर देखो ये जो 2-2 लाख है, ये तो क्वांटिटी ठीक है, पर हम देखेंगे इसमें बाइंग कब आई है। बाइंग सुजलॉन में आई है, ये जो लास्ट में जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, सब ये जो ग्रीन कैंडल है, इतना जोन, ये जो ग्रीन कैंडल का जोन है, ये जो इसमें जो बाइंग हुई वो इम्पोर्टेंट है, जो कि 1:56, मतलब 2 बजे के आसपास 36 लाख शेयर इसमें डिलीवरी में उठाए जाते हैं। फिर 2:32 पे 38 लाख शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं, और उसके बीच में 3,40,000, 3,65,000। तो 2 बजे से 3:21, देखो
इतने एंड तक ट्रेड चलता है, 3:21 तक भी लोग इसमें ट्रेड करते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो पेनी शेयर में होता ही है, ऐसा ही होता है, बीच बीच में आते हैं बड़े बड़े, मतलब 5,30,000, 5,04,000, ये जो देखो 12:20 और 11:55, तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुआ है। पर इतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, जब 10 लाख के ऊपर ट्रेड जाता है उसे ही हम बोलेंगे बल्क क्वांटिटी में बाइंग हुआ है। तो सुजलॉन में अभी भी अपवर्ड मूवमेंट की हम ये रख सकते हैं पॉसिबिलिटी। एनएससी पे अगर देखा जाए तो टोटल आज के दिन में ट्रेड होता है 2 करोड़ शेयर का, 2,40,00,000 शेयर का, उसमें से 1,30,86,000 शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। तो परसेंटेज वाइज कितना होगा ये, 53.68%, इसे कंसिडरेबल डिलीवरी हम बोल सकते हैं। अभी देखो ये 1,30,00,000, 1,30,00,000 में से हमने कितने देखे, 36 और 38, ये तो बड़े बड़े हमने ही देखे। तो ऑलमोस्ट जो हमने ये जो डिलीवरी देखी है इतनी ही डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि अगर इसको पूरा जोड़ा जोड़ा जाए तो ये तो 60 और 70 पकड़ लो, 70 लाख शेयर ये हो गए और बाकी के बचे शेयर, तो 1,30,00,000 शेयर इसमें से डिलीवरी में उठाए गए हैं। ये तो सुजलोन की बात हो गई। सेम स्ट्रक्चर अगर हम देखे जाए तो जेपी पावर में हो रहा। जेपी पावर में क्या हो रहा, तो इसमें देखो लास्ट जो 12 बजे के बाद इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिलीवरी बेस बाइंग हुई, उसके वजह से शेयर ऊपर की तरफ गया है। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा तो रोड पे काम चालू है इसलिए वो आवाज आ रहा है, तो ये वीडियो के लिए एडजस्ट कर लो उतनी सी बात। तो देखते हैं अभी जेपी पावर में 12 बजे के बाद अच्छी खासी डिलीवरी हुई है, हम वो डिलीवरी पहले देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो 12 के बाद का ही मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो 1 बजे, 1:56 पे 33,68,000 शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। 1:56, 1:56 अभी अगर हम आ जाते हैं, 1:56 मतलब 2 बजे के आसपास, देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ, यहाँ शेयर की बाइंग हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है 33 लाख शेयर उधर डिलीवरी बेस बाय हुई, फिर बीच में तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले खेलने वाले तो लोग होते ही होते हैं। फिर 2:37 पे, 2:32 पे 47 लाख शेयर ट्रेड होते हैं। फिर 2:45 पे 10 लाख शेयर, और फिर देखो 2:46 पे फिर कम कम अमाउंट, 2-2 लाख, 2-2 लाख शेयर, 2-2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3:23 तक, 3:23 तक ये चलता रहता है। और फाइनली शेयर अप मोमेंट पे जाके, मतलब ओपन होने के बाद जो ये नीचे आया था तो नीचे से रिकवरी करके जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है, 3 रुपए 90 पैसे पे। तो जेपी पावर में भी आज के दिन में डिलीवरी उठाई गई है अच्छी खासी। अगर हम जेपी पावर का सर्च कर लें, जेपी पावर में आज कितनी डिलीवरी होगी तो वो देखेंगे। देखो यहाँ से 73% डिलीवरी उठाई गई, 73% डिलीवरी जेपी पावर में जाती है, तो बहुत खतरनाक डिलीवरी उठाई गई है। क्योंकि टोटल अगर आपके 3 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 3 करोड़ शेयर में से 2,27,60,706 शेयर डिलीवरी में उठाए जाते, तो जेपी पावर में डिलीवरी बहुत हो रही। ये 73% मतलब 73.5% ही पकड़ लो, 73.50%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिलीवरी है, शेयर एक ही रेंज में है। क्योंकि ये मैं क्या बोला था, जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा, इसमें जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम जो कि ये ऊपर की लेवल नहीं तोड़ रहा था, अभी ये लेवल अगर ये ऊपर जाता है तो ये 4 रुपए 10 पैसे का लेवल तोड़ने के लिए रेडी है, ये हमें ओवरऑल एनालिसिस से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।